हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, काफ़ी कुछ है सीखने के लिए, सो व्हाई टू वेस्ट टाइम, बढ़ते हैं आगे, शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले क्लैट यूजी 2024 के लिए एवेंजर बैच क्लैट पॉइंट का है, आप चाहें तो इसमें इनरोल कर सकते हैं। नेक्स्ट बैच जो है वो आपका 26 जून से शुरू होना है। 21,999 का ये कोर्स है, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, 7 बुक्स, 50+ मॉक्स, ऑनलाइन ऑफलाइन एंड पर्सनल मेंटरशिप, एवरीथिंग यू नीडेड टू एज दिस एग्जाम, सब कुछ मिलने वाला है। वहीं अगर आप क्लैट 2025 की तैयारी कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर आर विजेता बैच। 2 ईयर्स का कोर्स है, 32,999 का ओनली। यहीं पर अगर आप NLSAT या क्लैट PG की तैयारी कर रहे हैं, देन ऑल्सो यू कैन रिफर टू आर एप्लीकेशन, जहाँ पर आपको हर कोर्सेज के डेमो क्लासेस, डिटेल, सारी चीज़ें मिल जाएंगी। एंड अगर आपको तब भी कोई डाउट रह जाता है, तो हमारी टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, आप कॉन्टैक्ट करके भी कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे, उससे पहले देखो आज हम कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, अभी रथ यात्रा पूरी वाली जो चल रही है उसके बारे में जानेंगे, एग्जाम में भी आ सकता है। ठीक है, फिर दूसरा आर्टिकल जो है हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, रिगार्डिंग अभी कल जो है वर्ल्ड रिफ्यूजी डे था, तो थोड़ा सा रिफ्यूजी डे के बारे में और इस पे क्या UN के कन्वेंशन है, रिफ्यूजी कौन होते हैं, क्या है ये चीज़ें, बाकी कुछ जो है हम शॉर्ट न्यूज़ आज के न्यूज़पेपर से देखेंगे। ठीक है, चलिए फिर बढ़ते हैं आगे, बिना समय गवाए शुरू करते हैं। देखो, तो सबसे पहला आर्टिकल जो है आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे था 2023 कल 20 जून को। और पहले, सबसे पहले जब भी किसी डे के बारे में हम बात करते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि वो डे किस दिन था और इस बार उसकी थीम क्या रही थी, यही है ना। लेकिन पहले चलो, मेरा आप लोगों से एक क्वेश्चन है, दिमाग में ले मतलब सोचने की कोशिश करो कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूजी, ठीक, और असाइलम सीकर, दोनों में क्या डिफरेंस है, थोड़ा सोचो, एक मिनट का पॉज लो, सोच के देखो। और इसी पर मेरा आज का क्विज का क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए, इसी से मुझे दिमाग में अभी जस्ट आया। तो मुझे ये बताओ, यूनाइटेड नेशन जो है, ठीक है, इसके नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं? मैं फिर से बोल रहा हूँ, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के, नॉट यूनाइटेड नेशन, नॉन परमानेंट मेंबर्स कितने होते हैं? ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं हमारे आर्टिकल के ऊपर। तो सबसे पहले देखो, हु इज रिफ्यूजी, तो रिफ्यूजी इज अ पर्सन, मैं आपको सिंपल अपने शब्दों में बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, रिफ्यूजी कौन है? रिफ्यूजी वो इंसान है जिसको अपने मतलब कंट्री में प्रोसिक्यूशन का डर है, ठीक है, जिसको वहाँ पे ये डर है कि मेरे को मार दिया जाएगा। और रीज़न क्या हो सकता है उसके पीछे, रेस, कास्ट या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें, ठीक है। अ रिफ्यूजी इज अ पर्सन हु फ्लेड हिज कंट्री ड्यू टू रिस्क ऑफ सीरियस ह्यूमन राइट्स वायोलेशन एंड पर्सिक्यूशन देयर। These refugees have a right to international protection under the United Nations Refugee Convention and its protocol. ठीक है, फिर asylum seeker कौन होते हैं? देखो, asylum seeker are someone जो ये बोलते हैं कि हमें refugee का status मिल जाए। मैं फिर से repeat कर रहा हूँ, asylum seekers are someone जो refugee का status मांगते हैं, बट उन्हें रिफ्यूजी का स्टेटस मिलेगा नहीं मिलेगा ये गवर्नमेंट एंड जो भी एजेंसीज है वो डिसाइड करती हैं। असाइलम सीकर इज ऑल्सो सेइंग कि भाई मेरे को थ्रेट है लाइफ का, मेरे को भी उस कंट्री में दिक्कत है, लेकिन उनको रिफ्यूजी का स्टेटस मिला है या नहीं मिलेगा, ये जो है जो संस्थाने हैं दे विल डिसाइड। एंड हु इज माइग्रेंट, या फिर इनको इलीगल माइग्रेंट भी कह देते हैं, तो माइग्रेंट आर समवन जो भाई किसी कंट्री को छोड़ के आ रहे हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू, उनकी लाइफस्टाइल बेटर करनी है, उनको पता है कि हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ पे हमारी लाइफ इतनी अच्छी नहीं है, तो वो माइग्रेंट करते हैं कि भाई हमें हमारी लाइफस्टाइल अच्छी करनी है। इनको कभी भी वापस भेजा जा सकता है, असाइलम सीकर को भी वापस भेजा जा सकता है, पर रिफ्यूजीज के लिए प्रोटोकॉल एंड कन्वेंशंस होते हैं, तो वहाँ पर बहुत कुछ सोचना पड़ जाता है। जैसे कि म्यांमार क्राइसिस हुई थी, तो म्यांमार से जो लोग भारत में भाग के आए थे, आप उनको रिफ्यूजी कह सकते हो क्योंकि वहाँ पर उनको प्रोसिक्यूशन का डर था। लेकिन बांग्लादेश से जब ये बहुत सारे लोग भाग के आते हैं, तो वो इलीगल इमाइग्रेंट्स कहलाते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में ऐसा कुछ होता नहीं है और वो अपनी लाइफस्टाइल बेटर करने के लिए इंडिया आने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे के बारे में, जो हमने अभी मनाया है। वर्ल्ड रिफ्यूजी डे 20 जून को
मार्क किया गया, ठीक है। इस बार की इसकी थीम क्या थी? होप अवे फ्रॉम होम, ठीक है। क्या थीम थी? होप अवे फ्रॉम होम। कब से इसको स्टार्ट किया गया है मनाना? तो दिसंबर 4, 2000 से वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मार्क किया जाता है। और क्यों मार्क किया जाता है? क्योंकि 1576 करके जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की थी, तो वहाँ पे कोई रिजोल्यूशन पास हुआ था, तो उसको 50 साल या समथिंग ऐसे पूरे हुए थे, तो उसके बाद यहाँ पे इसको कर दिया गया था। हाँ ये तो रहा, सॉरी 1951 रिफ्यूजी कन्वेंशन को 50 साल पूरे हो गए थे, तो इसीलिए वहाँ से वर्ल्ड रिफ्यूजी डे की एस्टैब्लिशमेंट हुई, ठीक है। अब पहले थोड़ा सा यूनाइटेड नेशंस के क्या लॉज हैं रिफ्यूजी क्राइसिस को लेके या रिफ्यूजीज को लेके, वो थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म लिखी हुई है, यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन 1951। तो ये क्या है थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ऑफकोर्स जैसा कि आप समझ सकते हो रिफ्यूजी कन्वेंशन इसका नाम है, दैट मीन्स कि रिफ्यूजीज को किसी भी कंट्री में जैसे कोई जाए तो उनको वहाँ से भगाया ना जाए, या फिर उनके प्रोटेक्शंस के लिए, उनके ह्यूमन राइट्स के लिए ये कन्वेंशन आया है, ठीक है। लेकिन देखो जब 1951 में ये कन्वेंशन आया था ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ यूरोपियंस के लिए आया था, और सिर्फ 1951 से पहले के केसेस के लिए आया था। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, 1951 में जब ये कन्वेंशन लाए थे ना ये लोग, तो ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए लाए थे? यूरोपियंस के लिए, कि भाई यूरोपियंस जो कहीं बाहर रिफ्यूजी की तरह कहीं हैं तो उनको दिक्कत ना हो, और सिर्फ 1951 से पहले के लोगों के लिए लाए थे, मतलब उससे पहले के इंसिडेंट्स के लिए लाए थे। बट देन इन 1967 प्रोटोकॉल, देखो मैंने बोला था कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल, तो 1951 इज कन्वेंशन, 1967 इज प्रोटोकॉल। तो 1967 का जो प्रोटोकॉल था ना, इट वॉज फॉर एवरीवन, मतलब इसमें फिर ना वो टाइम कैप था 1951 वाला, ना ही उसके अंदर ये था कि भाई यूरोपियंस के लिए, सभी के लिए, ठीक है। तो ये 1967 वाला था। अब इंडिया की अगर हम बात करें ना, तो इंडिया इज किसी भी कन्वेंशन या प्रोटोकॉल दोनों में से किसी का भी पार्टी नहीं है, तो इंडिया पे इसलिए इनके लॉज इतने बाइंड नहीं करते हैं। आप जैसे देख सकते होंगे कि म्यांमार क्राइसिस हुई थी, तो जो रिफ्यूजीज वहां से आए थे, तो इंडिया ने साफ साफ इनकार कर दिया था कि हम इनको वापस भेजेंगे, या इतना इंडिया उसको लेके आप देख सकते थे कि इंडिया ने अपने स्टैंड्स रखे थे। बट अगर हम इसके प्रोटोकॉल या कन्वेंशन के पार्टी होते तो हम इतना नहीं कर सकते थे। रिफ्यूजीज के ही टर्मिनोलॉजी में एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, प्रिंसिपल ऑफ रिफोलमेंट। इसका मतलब क्या होता है? अगर आपसे कहीं पूछ लें कि व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ रिफोलमेंट या समथिंग ऐसा, रिफ्यूजीज के ऊपर कुछ पैसा जाए तब, तो कंफ्यूज नहीं होना है। प्रिंसिपल ऑफ रिफोलमेंट का मतलब यह है कि भाई अगर कोई बंदा रिफ्यूजी है और आप इनके पार्टी में, मतलब कन्वेंशन प्रोटोकॉल इन सब के मेंबर हो, तो आप उस बंदे को वापस नहीं भेज सकते हो। प्रिंसिपल ऑफ रिफोलमेंट का मतलब ये कि यू कैन नॉट सेंड इट बैक, सेंड हिम और हर बैक, ठीक है। जस्ट अ सेकंड गाइस, ठीक है। तो ये हमने जाना रिगार्डिंग दिस। सबसे पहली चीज इंडिया के, सॉरी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन का जो 1951 का कन्वेंशन है, इंडिया इसका भी पार्टी नहीं है, इंडिया 1967 के प्रोटोकॉल का भी पार्टी नहीं है। 1951 का यूनाइटेड नेशन रिफ्यूजी कन्वेंशन जो था, ये ओनली यूरोपियंस एंड बिफोर 1951 के केसेस के लिए था, बट 1967 में इसको चेंज किया गया और इस प्रोटोकॉल के अंदर एवरीवन इज इंक्लूडेड इन इट, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ रिफोलमेंट क्या है? भारत के अंदर ना कोई भी लॉ नहीं है असाइलम को लेके, रिफ्यूजीज को लेके, और इसकी बात चलती है कि भारत में ऐसे कानून आ जाने चाहिए। तो जल्दी से एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखो भारत का क्या कहना है, जैसे कि म्यांमार वाला ही क्राइसिस हुआ था, तो जब वहाँ से रिफ्यूजीज आए थे, तो भारत का ये कहना था कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज जो इतना ज्ञान देते हैं, उन तो भाई डेवलप कर चुके हैं, उनके पास तो बहुत सारा रिसोर्स है, वो कहीं भी खर्च कर सकते हैं, बट हम तो पहले हमारा लोगों का देखेंगे ना। आप जब फ्लाइट में ट्रेवल करते हो तो क्या बोलते हैं कि भैया पहले अपनी पेटी बांध लो फिर दूसरे की रक्षा करना। तो वी आर डेवलपिंग कंट्री, हम हमारे ही देश की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, उसमें कुछ और लोग भी आज के रहने लग जाएंगे, तो फिर हमें यही टैक्स पेयर्स के पैसे वहाँ खर्च करने पड़ेंगे। तो ये तो मतलब फिर दिक्कत ही हो रही है ना, कि भाई पहले खुद की ही हम नहीं संभाल पा रहे हैं, बाहर वालों को भी देखें। तो ये डेवलपिंग कंट्रीज़ का इस पर रहता है, क्योंकि डेवलप्ड कंट्रीज़ ना उन्होंने तो कर लिया अपने समय का सारा चीज़ें,
और अब वो सबको ज्ञान देती हैं, तो वो वाली चीज़ हो जाती है। तो इसीलिए इंडिया में कोई लॉ नहीं है, बट होना तो चाहिए, क्योंकि इन द एंड ह्यूमन राइट की भी बात होती है, लोग परेशान हैं। अब म्यांमार से ही जो लोग आए थे आज तक उनका अभी तक मामला चल रहा है, और अब कोई लॉ नहीं है ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जैसे जहाँ जहाँ पे लॉ है ना, तो वहाँ पे फिक्स है कि भाई 1 महीना 2 महीना 3 महीने में आप स्टेटस क्लियर करो कि आप इनको रिफ्यूजी रखोगे, असाइलम सीकर्स को रिफ्यूजी मान रहे हो नहीं मान रहे हो, ऐसा ऐसा। लेकिन जब इंडिया में लॉ नहीं है तो सरकार पेंडिंग पड़ा रहता है मैटर, कोई पूछने वाला नहीं है, तो वो सब चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए देखो अगला आर्टिकल जो है वो है जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा 2023। थोड़ा सा इसको समझते हैं, बिल्कुल बहुत ही आप सभी लोगों के जो भी मतलब इन सबको कल देखा होगा, तो काफ़ी ये मतलब लोगों के लिए रिलीजियसली काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन एग्ज़ाम्स में भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। जगन्नाथ पुरी रथ यात्रा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं, क्या है, कैसे है, क्यों मनाया जाता है। तो रथ यात्रा यहाँ पे लिखना चाहिए, यात्रा लिखा हुआ है, रथ यात्रा जिसको हम चैरियट फेस्टिवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं गाइस? चैरियट फेस्टिवल के नाम से भी ये जाना जाता है। क्यों? चैरियट मतलब रथ ही होता है, तो उस पर जब सवारी होती है भगवानों की, मूर्तियों की, तो इसीलिए इसको चैरियट फेस्टिवल भी बोला जाता है। ये एक हिंदू फेस्टिवल है एसोसिएटेड विद लॉर्ड जगन्नाथ पुरी उड़ीसा में जो आपके स्थित हैं। ये फेस्टिवल जो है सेकेंड डे ऑफ शुक्ल पक्ष ऑफ अषद द थर्ड मंथ अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल ओरिया कैलेंडर की तरह मनाया को मनाया जाता है, तरह बोल दिया मैंने। द फेस्टिवल सिग्निफाइज द एनुअल विजिट ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ बलराम एंड सुभद्रा टू गुडिचा टेम्पल इन ओडिशा। देखो मैं आपको थोड़ा सा इसको बता देता हूँ। जगन्नाथ मतलब लॉर्ड जगन्नाथ इज अवतार ऑफ विष्णु एंड हिज ब्रदर बलराम, सुभद्रा इज सिस्टर। तो ये क्या हुआ, ये अपने आंट के यहाँ पे आए थे विजिट करने के लिए, 9 दिन रहे थे, और इसी को मानते हुए जो है ना ये फेस्टिवल मनाया जाता है। ठीक है, तो ये जब आए थे तो गुंडिचा टेम्पल के वाया आए थे। तो क्या होता है, पहले दिन ना जो टेम्पल पे इनकी देखो सबकी जो प्रतिमाएं होती हैं वो चैरियट पे सजाई जाती हैं। ठीक है, आई थिंक तीनों प्रतिमाएं अलग अलग चैरियट पे सजाई जाती है। तो जगन्नाथ टेम्पल से दूर जो गुंडिचा टेम्पल है वहाँ पे वहाँ तक ट्रेवल होती है और फिर 9 दिन वहीं रहती हैं। लास्ट डे वापस जगन्नाथ टेम्पल में वो तीनों प्रतिमाएं आती हैं विद चैरियट। ठीक है, तो जगन्नाथ टेम्पल इज द टेम्पल बिलीव टू हैव बीन, अब थोड़ा सा जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जान लो, हिस्ट्री है, कंस्ट्रक्टेड इन 12th century बाय किंग अंतरवनमन चोटागंगा देवा। ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के ये थे। जगन्नाथपुरी टेम्पल इज कॉल्ड एज यामनिका तीर्थ। आपको पता होगा जो 4 तीर्थ हैं उसमें जगन्नाथ टेम्पल इज ऑल्सो वन ऑफ देम। वाइल लॉर्ड जगन्नाथ चैरियट इज कॉल्ड नंदीघोष, और बलराम जी का जो आपका चैरियट है उसको क्या बोला जाता है, तालद्वाजा, एंड सुभद्रा जी का चैरियट को दारा पदलाना रेस्पेक्टिवली। जस्ट इन केस अगर मेरे से कुछ प्रोनाउंसिएशन गलत निकले हो तो दिल पे मत लेना, इंटेंशनली नहीं है, संस्कृत वर्ड से थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है। ठीक है, आई ऑल्सो रेस्पेक्ट एवरी वंस रिलीजियस सेंटिमेंट, तो ऐसा नहीं है। दिस टेम्पल वॉज कॉल्ड एज वाइट पगोडा। ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि चार धाम पिलग्रिम्स का ये उसमें से एक है, जैसे कि बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी एंड रामेश्वरम। तो पुरी आप समझ सकते हो। ठीक है, तो इस टेम्पल को वाइट पगोडा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये था ये वाला न्यूज़। और देखो इसमें एक चीज़ और हुई है, क्योंकि ये न्यूज़ और भी इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि अभी काफ़ी सारे देखो इंडिया में इंसिडेंट हुए हैं, जब ये रथ यात्रा निकल रही थी तो काफ़ी सारे लोग इंजर्ड भी हुए हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, दुर्भाग्यपूर्ण है, बट ऐसा हुआ है। अहमदाबाद में सुनने में आया है और भी कई जगह पर मैं पढ़ रहा था तो न्यूज़ में आया है, तो वो एक बहुत चिंता का विषय है। तो वो उससे रिलेटेड भी अगर कुछ पैसे जाए तो क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट क्लियर्स डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेज इन बंगाल फॉर लोकल पोल्स। तो देखो वहाँ पे क्या है, लोकल पोल्स होने वाले हैं वेस्ट बंगाल के अंदर, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि वेस्ट बंगाल का इतिहास आप उठा के देख लो, इलेक्शंस में वहाँ पे वॉयलेंस होता है और हम नहीं चाहते हैं कि ये हो, और ये ना हो इसको रोकने के लिए सेंट्रल फोर्सेज को वहाँ पे भेज दिया जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज़ यहाँ पे बोला गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है, पीएम मोदी लैंड्स इन यूएस,
मैनी इवेंट्स इन पाइपलाइन। देखो अभी ना इस न्यूज की कोई वैल्यू नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि अभी मीट नहीं हुआ है। जैसे जब बाइडेन एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी जी मिलेंगे, काफ़ी सारे विषयों पे चर्चा होगी, MOUs साइन होंगे, जो भी चीज़ें निकल के आएंगी, निष्कर्ष निकल के आएगा, तब हम उसको समझेंगे। इंडिया US रिलेशन करके एडिटोरियल्स आएंगे ही आएंगे, तब देखेंगे। अभी इसमें कुछ है नहीं जिसको पढ़ के हम कुछ भी एग्ज़ाम लायक निकल के आए, तो नहीं ध्यान रखने वाली बात है। वैसे मैं आपको एक बात बता दूँ, कल मैंने बोला था ना, वक्त वक्त की बात है, बदल जाता है। इफ़ आई कैन रिकॉल दिस, कि जब गुजरात रिओर्ट्स हुए थे, कन्फर्म नहीं है बट शायद 99% ये बात सच है, कि उस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को ना US का वीज़ा नहीं देते थे ये लोग। और आज देखिए, आज खुद प्रेसिडेंट मतलब लेने आएगा जब वॉशिंगटन DC जाएंगे। तो समय समय की बात है यार, है ना। ये किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एग्जाम्पल दिया है। चाइना पाक इंक न्यूक्लियर प्लांट डील। तो भैया देखो, पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, लेकिन चाइना जो है उसको फंड करने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहा है, क्योंकि चाइना भी जानता है कि पाकिस्तान को जितना वो पंप अप करेगा इंडिया के ऊपर, वो इनडायरेक्टली प्रेशर क्रिएट कर रहा है। अब इन्होंने क्या किया है, $4.8 billion के आसपास का जो है इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया है, और ये बनाने वाले हैं न्यूक्लियर प्लांट। कहाँ पे? चश्मा इन मियानवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब। भैया ये न्यूज़ है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी देके क्या ही करना है। देखो आजकल की जो ये यूथ है ना, उनके बड़े फेवरेट थे एंड्रयू टेट, अब इनके ऊपर ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड रेप के चार्जेस लगे हुए हैं। लेट्स सी क्या होता है, न्यूज़ है, एग्ज़ाम वाली नहीं है। वैसे देखो इन सब पे ना क्लैट डाल देता है यार, पढ़ ही लेते हैं। ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर एंड्रयू टेट, हिज ब्रदर एंड 2 women were indicted in Romania on human trafficking and rape charges. The police arrested Tate, जो कि 36 ईयर के हैं, एंड हिज ब्रदर Tristan, जो 34 ईयर्स के हैं, 2 Romanian women late last year. ठीक है, अंडर प्रिवेंटिव रिटेंशन एट फर्स्ट देवर प्लेस अंडर अरेस्ट एंड द मार्च ऑफ एंड ऑफ मार्च। देखो वैसे तो ये क्वेश्चन नहीं आने चाहिए क्लैट में, लेकिन मैंने क्यों इसको पूरा पढ़ दिया, क्योंकि व्हाट आई कैन रिकॉल ना, लास्ट ईयर एक यूट्यूबर के ऊपर पैसेज डाल दिया था, तो भाई कुछ भी डाल देते हैं, है ना, जो इम्पोर्टेंट ना हो तो वो भी डाल देंगे। अच्छा हो करंट पेपर, अच्छा हो वो गारंटी नहीं है, पेपर कठिन बनाना है। टूरिस्ट सबमर्सिबल ऑन टाइटेनिक एक्सपेडिशन मिसिंग फॉर 3rd day, ये भी न्यूज़ है। बहुत महंगी ट्रिप होती है यार टाइटेनिक, देखो जहाँ डूबा है ना, तो उसके ढांचे आज भी पड़े हुए हैं एक जगह पे, कनाडा के आसपास है कहीं, वो पानी के बहुत अंदर। तो बहुत सारे लोग, बहुत ज़्यादा पैसा उसका लगता है, $250 million समथिंग कुछ ऐसा ही था यहाँ पे लिखा हुआ है, उतना खर्च करके लोग जाते हैं वो देखने के लिए। तो कुछ लोग गए थे, 3 या 4 लोग एक सबमरीन के अंदर, एंड वो 3-4 दिन से मिल ही नहीं रहे, तो अब उनको ढूंढने का चल रहा है। तो ये न्यूज़ है, एग्ज़ाम का पर्सपेक्टिव यहाँ पे कुछ नहीं है। 2 आर्टिकल आज डिटेल से हमने डिस्कस किए हैं, जो आपको नोट्स में डालने हैं, जगन्नाथ टेम्पल वाला एंड UN कन्वेंशन ऑन रिफ्यूजी वाला। ठीक है, तो दिस इज़ इट, एंड आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ाई करते रहो, एंड कंसिस्टेंट रहो। पढ़ाई करो लेकिन कंसिस्टेंट रह के, ठीक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।